ओसीडी में 5 हेल्प करने वाले कारगर टिप्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 ऐसे टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी कोई भी ओसीडी हो जिनको कम करने में जिसमें आपको बहुत बहुत सहायता प्रदान करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिलते रहें। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि ओसीडी चाहे कोई भी हो, रिलीजियस ओसीडी हो, कंटेमिनेशन ओसीडी हो, रूमिनेशन ओसीडी हो, पीटीएसडी हो, कोई भी ओसीडी हो जिसके अंदर आपको बहुत सारी परेशानियां होती है डेली के शेड्यूल में, तो 5 ऐसी एक्टिविटी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा जो आपके डेली के शेड्यूल में आपको शामिल करनी होगी और इससे आपकी पर्सनैलिटी में ज़बरदस्त निखार आएगा, आपको इसमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आपकी ओसीडी को कम करने में ये सहायता प्रदान करेगी। पहली ट्रिक है इसके अंदर अपने आप को ओपन रखना। अपने आप को ओपन किस तरीके से रख सकते हैं हम, इसमें मैं सबसे ज़रूरी चीज़ एक ही बताता हूँ, क्या करना होगा। आपको मान के चलो आप घर पर हो, खास करके ओसीडी में क्या होता है कि आप एक माहौल को छोड़ के अपने आप में अकेलापन महसूस करते हो और घर पे रहने लग जाते हो, अपने आप को एक जगह सेटअप कर लेते हो, तो आपको क्या करना होगा, इसमें अपने आप को ओपन रखना होगा। ओपन रखने का मतलब है कि आपको एक हेल्पफुल पर्सनैलिटी बनना होगा, आपको बेवजह बिना किसी पर्पज़ के दूसरों की हेल्प करनी होगी। इससे क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आपको इसमें एक चीज़ लगेगी कि हाँ, मैं भी दूसरे लोगों की तरह काम कर सकता हूँ, मैं भी दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ, मेरा भी इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। पहली ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और ये आपके इसके अंदर जो आपको एंग्जाइटी होती है उसको बहुत हद तक कम करेगा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एज ए हेल्पर काम करना है, न कि काम करना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बोलते हैं मैं तो काम करता ही हूँ सारा दिन, काम नहीं, दूसरे की हेल्प करना। इसमें मैं फॉर एग्जांपल एक आपको चीज़ बता देता हूँ। मान के चलो कि आपकी पत्नी या आपकी बहन फर्श धो रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप बोलो कि आप झाड़ू लगाओ या आप और सफाई करो, मैं पानी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डालता हूँ। तो इस तरीके से आपने उसके अंदर इन्वॉल्व होना है एज ए हेल्पर, न कि काम करना है कि चलो आप सारा काम छोड़ दो मैं कर लेता हूँ, इस तरीके से नहीं करना है। आपने उनके साथ मिलके उनका हेल्प करना है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपको भी मिलेगी और आपको इसमें मज़ा भी आएगा। दूसरी ट्रिक, प्रकृति के साथ जुड़ना है। तो ये हम इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ट्रिक मानते हैं कि आपको प्रकृति के साथ जुड़ना है। प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ पौधों के साथ जुड़ें, पेड़ पौधों को, प्रकृति को आशीर्वाद दें, रिटर्न में आपको ये सारी चीज़ें वापस मिलेगी जो आपके ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल कम कर देगी। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है सभी को आशीर्वाद देना। सभी को आशीर्वाद किस तरीके से दें, मान के चलो आप अपनी छत पे खड़े हो, आपको इतनी दूर में कोई दिख रहा है, कोई सब्जी वाला जा रहा है, दूध वाला जा रहा है, कोई भी आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपने आशीर्वाद देना है, उसके प्रति ब्लेसिंग फील करनी है। ये आपको अपने डेली के शेड्यूल में ये चीज़ें शामिल करनी है, तभी आपको अपने लिए इसमें रिजल्ट मिल पाएगा। थोड़े टाइम के लिए अगर कंटिन्यू ये आप एक्टिविटी करते हो तो आपको इसमें बहुत सारा रिजल्ट मिलता है। मैंने बहुत बार ये चीज़ें फील्ड पे भी बताई है, बहुत सारे लोगों को बताया है, उनसे ये रिजल्ट भी मिल के आया कि हाँ, इन चीज़ों का रिजल्ट मिलता है। तो आपको भी अपने शेड्यूल में ये चीज़ें शामिल करनी होगी। तो अगला हमारा पॉइंट है कि हमारी लाइफ का जो सबसे खुशी वाला मोमेंट हमारा रहा है उसको हमने विजुअलाइज करना है, उसको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जब भी हमें टाइम मिले उतनी बार ही हमें उसे विजुअलाइज करना है, उसके बारे में सोचना है। हमने किसी को उपहार दिया हमें खुश लगा, या किसी ने हमें उपहार दिया हमें खुश लगा, कॉलेज के टाइम, स्कूल के टाइम, शादी के टाइम, कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड इसके अंदर, तो वो सारे पलों को हमने सोचना है, उनको क्रिएट करना है, विजुअलाइज करना है, तो उससे आपको इसमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इसमें आपकी पर्सनैलिटी में ज़बरदस्त निखार आएगा और आपके जो कंपल्शन है उनको कम करने में मदद मिलेगी। लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अपनी वर्कशॉप में भी करवाते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे वर्कशॉप अटेंड भी किए हैं तो उनको तो इस बात का पता होगा कि ऑफलाइन सेशन में हम कम से कम 35 मिनट से 40 मिनट का एक सेशन रखते हैं जिसके अंदर
ओनली फॉर आपको डांसिंग या सिंगिंग करना होता है। ये आपके स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को शून्य लेवल पे लेके चला जाता है। ये आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को पूरी तरह से ख़त्म करता है। और जो 35 मिनट के अंदर आपको बूस्ट मिलता है वो ज़बरदस्त बूस्ट होता है। और ये आपके कंपल्शन को कम करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है, आपके डिप्रेशन को कम करता है, और जितना हो सकता है आपकी OCD को कम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। तो ये सारे सेशन के अंतर्गत हम छोटे छोटे स्टेप में इन चीज़ों को करवाते हैं, और इस वीडियो के अंदर मैंने ये 5 स्टेप आपको बताए हैं। अगर आप इन 5 स्टेप को फॉलो करते हो डे बाय डे रूटीन के साथ, ऐसा नहीं आज फॉलो किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर 2 दिन बाद नहीं किया, तो इस तरीके से इसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। आपको इनको कंटिन्यू फॉलो करना होगा, तब आपको इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये ऑफलाइन फील्ड के ऊपर हमने ये सारी चीज़ें करवाई हैं, और उसके बाद में जो रिज़ल्ट मिला है उसके आधार पे हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो आई होप मैंने इस वीडियो में अच्छे से आपको बताया है और समझाया भी है कि किस किस तरीके से आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, और उसके बाद में आपको इसमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।